नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। आइए देखते हैं देश विदेश की प्रमुख खबरें। ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स पहुंचे इजराइल, बम धमाकों के बीच रास्ते पर दौड़ते आए नजर। इजराइल के पास खुद की रक्षा करने के सारे कारण, मासूमों की जान नहीं जानी चाहिए, नाटो चीफ ने कहा। हमास के सारे आतंकी हमारे लिए अब मुर्दा, हमास को जड़ से खत्म कर देंगे, नेतन्याहू ने कहा। शाही ईदगाह स्थल को कृष्ण जन्मभूमि की मान्यता देने की मांग वाली याचिका खारिज। देवरिया कांड में आया नया एंगल, गलत साबित हुआ प्रेमचंद यादव की पत्नी का दावा। अब्दुल्ला आजम खान जन्म प्रमाण पत्र मामले में 18 अक्टूबर को फैसले की तारीख तय। बक्सर ट्रेन हादसा, 4 की मौत, 100 से ज्यादा घायल, 20 घायलों को रेफर किया पटना एम्स। नई दिल्ली मुंडका इलाके के घेवरा में एक पेट्रोल पंप पर नकाबपोश बदमाशों ने की लूट। बक्सर ट्रेन हादसा, ईस्ट सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर ने बताया नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के 21 कोच डिरेल हुए। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।